ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे एक HTML फाइल को सेव करके एक्सिक्यूट करना है। ठीक है, तो बेसिकली हम कोई सा भी एडिटर यूज कर सकते हैं, उसे सेव करेंगे ऐसा HTML फॉर्म, मतलब हमारी फाइल का नाम कुछ भी हो, फाइल का नाम अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, और लास्ट में से आप सेव कर सकते हैं .html से और .htm से। तो यहाँ पे हमें, हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट जो हर सिस्टम में होता है, हमने ओपन किया बाय डिफॉल्ट नोटपैड से, और सबसे पहले हमने क्या किया, इसे सेव किया, कंट्रोल एस हमने कीबोर्ड से प्रेस किया। यही काम आप कैसे कर सकते हो, फाइल में जाके सेव पर, दोनों से एक ही काम होगा। हमने सेव किया फाइल को, और इसे फिर हम क्या करेंगे, किसी भी लोकेशन पे, तो हमने एक काम किया डेस्कटॉप पे क्लिक किया, अपने नाम से एक सेपरेट फोल्डर बनाया, शॉर्टकट हमने यूज किया कंट्रोल शिफ्ट एन। ठीक है, इसके अलावा अपने नाम से हमने फोल्डर बनाया जिसके अंदर हम सारी फाइलें अपनी प्रैक्टिस से रिलेटेड रखेंगे। तो हमने आज की डेट से नाम से फोल्डर बना के इसमें सेव कर लिया, और अब हम यहाँ पे फाइल का नाम दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमने बेसिकली सिंपल नाम दे दिया इसका, और लास्ट में हमने क्या लिखा, .html। एक HTML फाइल का ये सिंपल सा एक्सटेंशन होता है कि इतना हमें पोर्शन ऑलवेज लिखना ही लिखना है, अदरवाइज अगर हम डायरेक्टली भी नहीं लिखते हैं अपनी कोडिंग तो भी रद्द कर जाएगी, लेकिन हम रूल फॉलो करते हुए इतना कोड राइट करेंगे। तो हेड हेड को स्टार्ट किया, हेड को क्लोज किया, मतलब जिसको स्टार्ट कर रहे हो तुरंत क्लोज कर दो, तो बाय डिफॉल्ट मिस्टेक होने से बच जाएगा। अभी इंक्लूड कर रहे हैं, हमने क्या किया, चार कैरेक्टर का स्पेस दिया 1 2 3 4, और यही काम हम टैब से भी कर सकते हैं, तो अलग अलग एडिटर अपने टैब एग्जीक्यूट करते। तो यहाँ पे तो 8 करेक्टर का स्पेस आ गया नोटपैड पे, 8 करेक्टर का, लेकिन अगर हम किसी और एडिटर पे ओपन करेंगे इसे तो वहां पे 4 5 करेक्टर का आता है। तो बेसिकली नोटपैड तो इस हिसाब से डिजाइन नहीं है कि हम यहाँ पर वेब डिजाइनिंग की कोडिंग कर सकें, जस्ट हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं ताकि हमारी स्पीड और कोडिंग हमें याद हो सके। तो हम यहाँ पे 4 करेक्टर का स्पेस दे के लिख रहे हैं टाइटल, क्योंकि हम यहाँ पे, अब देखो टाइटल का क्या काम होता है, तो हमारा जो ब्राउजर है, हमारा जो ये ब्राउजर है, तो ब्राउजर के हमें टॉप पर जो नाम डिस्प्ले करना है, मतलब पेज के टॉप पर, तो हम टाइटल के अंदर लिखते हैं, और ये हमारी होती है बॉडी जहां पे हमें वेबसाइट डिस्प्ले में आ रही है। तो हमने भी क्या किया, यहाँ पे वही काम किया, हमने यहाँ पे टाइटल दिया कि हमारे पेज पे डिस्प्ले होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे सपोज दे दिया कि हम अपने पेज बनाए ऐसे डेमो के लिए, हमने मैं ये लिख दिया कि माई फर्स्ट वेब पेज, और उसके बाद बॉडी जो हमें इस जगह पे डिस्प्ले करनी है वो कंटेंट हमने लिखा इस जगह पे, तो हमने जस्ट लिख दिया H1 का यूज करके। H1 हमारा एक हेडिंग टैग है जिसके बारे में हम आपको अभी बताते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया कि हेलो फ्रॉम एच, हेलो फ्रॉम HTML। इसको हमने फिर से अगेन सेव किया, हमने कंट्रोल एस प्रेस किया या फिर फाइल में जाके सेव पे क्लिक किया, दो में से कोई एक। अब आपने फाइल किस जगह पे सेव की है वहां पे जाओ, तो हमने इसे डेस्कटॉप पे सेव किया था इस तरह के फोल्डर के अंदर, हमने इसे ओपन किया, यहाँ पे हमारी फाइल है, राइट क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हो कि किस ब्राउजर में आपको इसे रन करना है। तो हमने ओपन विथ में गए और यहाँ पे ब्राउजर सेलेक्ट कर लिया, किस ब्राउजर पे रन करना था, हमने फायरफॉक्स ओपन कर लिया क्योंकि फायरफॉक्स काफी अच्छा होता है, तो हमने इस पे रन किया। देखो हमने जो लिखा था टाइटल में हमें यहाँ पे दिख रहा है, जो हमने बॉडी पे लिखा था H1 के अंदर वो हमें यहाँ पे दिख रहा है बड़े फॉर्मेट में, तो हेडिंग H1 हमने जो यूज की सबसे बड़ी हेडिंग होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक प्रोग्राम को बना के राइट करके एग्जीक्यूट करते हैं HTML में। यहां तक समझ में आया?